टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन बसनानी कॉर्निया डैमेज का शिकार हो गई थी। इसके चलते उन्हें दिखना बंद हो गया था। कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से उन्हें यह परेशानी से जूझना पड़ा, जिसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद एक्ट्रेस की कॉर्निया डैमेज हो गई थी। इसके कारण उनकी आंखों में काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया था। पिछले दिनों जैस्मिन बसनानी अपनी आंखों का कॉर्निया डैमेज होने की खबर की वजह से सामने आई थी। अब एक्ट्रेस ने बताया है कि उनकी आंखें पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हैं और सुधार भी देखने को मिल रहा है। जैस्मिन को हाल ही में फ्लोरल पिंक आउटफिट के साथ सनग्लासेस लगाए हुए मुंबई में स्पॉट किया गया। प्यारी सी मुस्कान के साथ पेपरेजी से मिली जैस्मिन से जब पूछा गया कि अब उनकी आंखें कैसी हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्ट्रेस ने चश्मा निकालकर पैप्स को दिखाया कि अब वो पहले से काफ़ी ठीक है। पिछले दिनों ही जैस्मिन बसन के बॉयफ्रेंड अली गोनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके उनके प्रति सपोर्ट दिखाया था। अली ने पोस्ट में जैस्मिन को सबसे स्ट्रांग लड़की लिखा। साथ ही जैस्मिन बसन की आंखों में हुई दिक्कत के चलते फैंस काफ़ी परेशान हो गए थे और लगातार सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर कमेंट्स कर रहे थे। हालांकि अब जब उन्हें पब्लिकली स्पॉट किया गया है, तो उन्होंने खुद साफ कर दिया कि एक्ट्रेस की हालत बिल्कुल ठीक है और लगातार बेहतर हो रही है। एक्ट्रेस ने आंखों में लेंस लगाए थे, जिसके बाद उन्हें भयावह दर्द हुआ और उसे उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने किसी तरह के इन्हें निकाला और डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उनकी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है। डॉक्टर ने जैस्मिन को ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें कुछ दिनों तक आंखों पर पट्टी बांध कर ही रहने की सलाह दी। एक्ट्रेस को आंखों पर पट्टी बांधे स्पॉट किया गया तो ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गई और फैंस ने पूछना शुरू कर दिया कि बिग बॉस फेमस एक्ट्रेस को क्या हो गया। जैस्मिन एक इवेंट में शरीक होने के लिए दिल्ली पहुंची थी, जहां 17 जुलाई को उन्होंने आंखों में लेंस लगाए। भयानक दर्द के बावजूद एक्ट्रेस ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और जिस इवेंट में शरीक होने पहुंची थी वहां काला चश्मा लगाकर इस इवेंट में शरीक हो गई। हालांकि वहां से निकलते ही एक डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन अब फैंस राहत की सांस ले सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।